الله أكبر. الله أكبر. رحمة الله. السلام عليكم. गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ मुज़ाहिमती शायर जमशीद ख़ान दुखी को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जमशीद ख़ान दुखी का नमाज जनाजा गिलगित सिटी पार्क में अदा कर दिया गया। हर आंख अश्कबार थी और हर ज़बान पर सकना तारी था। नमाज जनाजा में बिला रंग व नसल हज़ारों अफराद ने शिरकत की और इस अजीम शख्सियत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। जमशीद खान दुखी गुज़िश्ते शब 66 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले, जिस पर गिलगित बल्तिस्तान की फ़िज़ा सोगवार हो गई। सियासी और समाजी हलकों ने उनकी रहलत को इलाका भर के लिए एक सानिहा करार दे दिया। हम मैदान में मुफारकत दे के चले गए। आप देख रहे हैं कि आज इस सिटी पार्क के अंदर बिला तफरीक इम्तियाज तमाम मसालिक के हमारे भाई जी की जमा है। ये उनकी मोहब्बत थी और एक अदबी रफीक के तौर पे उसको जितना हम जानते हैं वो एक अजीम इंसान थे और उसका कलाम, उसकी सोच, उसका तखयल वो हमारे आने वाले नस्लों के लिए एक नसीहत का काम देगा। तो आज जीबी का हर फर्द बच्चा बच्चा अफसरदा है और अश्कबार है। रब करीम अपने रहमतों में उसको जगह दे। और यहाँ से तो जाना है हर किसी ने, कुल्लु मन अलैहि फान, ये कुदरत के अटल फैसले हैं। अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं। आज दुखी को हम आप सब मिल के इधर सिटी पार्क में रुख्सत कर रहे हैं। उसकी अबदी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हम दुआगो होंगे और उनके गमजदा ख़ानदान से इजहार मोहब्बत भी। ये एक रस्मी चीज़ें हैं, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि आपने दो चार लफ्ज़ के लिए, मेरे बड़े भाई अमीन ज़िया साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अमीन ज़िया साहब से भी बल्कि दो मज़ाहमती शायरी के हवाले से वो न सिर्फ एक बहुत बड़े और ज़मानसाज शायर थे, बल्कि उनके दिल में एक एहसास दिल भी था। वो अपने दोस्तों के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से बहुत ही हमदर्दी रखते थे। मुझे उनके साथ एक तवील अरसे तक उनके साथ रफाकत रही, तकरीबन नौ सदी तक हम साथ रहे। वो सबसे बड़ी बात तो ये और इस दौरान मैंने उन्हें हर एक के लिए बहुत ही रुख किया। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के, अगर कौमी शायर कहा जाए जमशीद ख़ान दुखी साहब को, तो ये बात भी भेजा ना होगी, उसके जनाजे के लिए, उसकी ताज़ियत के लिए हम यहाँ सिटी पार्क में हम सब जमा हैं। और हम दुखी साहब की, गिलगित बल्तिस्तान की अमन के लिए, यहाँ आपस में मोहब्बत और अख़वत के लिए उन्होंने जो किरदार अदा किया है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। और हमें इस बात पर भी अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन है कि तमाम मसलकों की यहाँ पर नुमाइंदगी, हर रंग व नस्ल ज़ुबान के लोगों की यहाँ पर जो नुमाइंदगी थी, इस इज्तिमा की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला उनको अपनी जन्नतों का मेहमान बनाएगा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके ख़ानदान, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को बहुत एक बड़ा सानिहा हुआ है उनकी रहलत से। हम उनके ख़ानदान के साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक व ताला दुखी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। मर रहीम,
आज का दिन हमारे लिए बहुत गम और अंदोह का दिन है, क्योंकि आज इस माशरे का एक ऐसा फ़र्द हमसे जुदा हुआ है जिसने अमन के लिए, जिसने इस इलाके में मोहब्बत को परवान चढ़ाने के हवाले से अपनी ज़िंदगी खपा दी। वो यहाँ के हबीब जालिब कहलाते थे। उन्होंने न सिर्फ अमन के हवाले से अमन दुश्मनों को ललकारा, वहाँ पे उन्होंने तासुबात में गिरे हुए लोगों को ये सबक दिया कि जितना भी नफ़रत का व्यापार होता है उसके अंदर फिर कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इस व्यापार को ख़ात्मे के लिए, इस व्यापार के ख़ात्मे के लिए उठ खड़े होते हैं। तो जमशेद दुखी साहब भी उन्हीं लोगों में से एक थे, यहाँ के अदबी हलकों की जान थे। आज हम सब अफसरदा हैं उनकी जुदाई से। ऐसे लोग समाज सदार किस्म के लोग होते हैं, माशरे इन्हीं से परवान चढ़ते हैं, इन्हीं से बनते हैं। तो इनका ये जो खला है ये शायद कभी पूरा हो सके, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है, कौमी नुकसान है, पूरे जीवी का नुकसान है। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं तो इनकी कदर शायद हम उनकी ज़िंदगी में नहीं कर पाते, लेकिन आज ये जो आवाम का ठाठे मारता समंदर यहाँ मौजूद है तो इससे इनके कंट्रीब्यूशन का, माशरे के अंदर इनके किरदार का पता चलता है। अल्लाह ताला इन्हें गरी के रहमत करे, इनके सफ़र या आखरत की हर मंजिल को आसान बनाए, और हमें पूरे जीवी के आवाम को अल्लाह ताला इनका नेमुल बदल अता करे। बज़ाहिर वो मुश्किल तो है लेकिन अल्लाह से हम उम्मीद हैं, अल्लाह की ज़ात से, कि ऐसे मोहब्बत करने वाले, अमन के लिए काम करने वाले लोग पैदा होते रहेंगे, और अल्लाह ताला उनके लवाकिन को भी सब्र जमील अता करे। मैं खुद हल्के अरबाब ज़ोक का एक हदना सा मेम्बर हूँ, तो हमारे लिए भी बहुत सदमे का ये वक्त है। अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है इस वक्त सोगवार है। आज हम यहाँ सिटी पार्क में आए थे और हमने देखा कि किस तरह लोग मोहब्बत दुखी साहब से करते थे, और हर तबके के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। शायद उनकी जो खिदमात है इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए, उस खला को कोई पूर्ण नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो कुव्वत गुज़ाई सलब हो गई है कि क्या कहूँ, लेकिन मैं हमेशा से, लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स मर गया तो एक खला पैदा हो गया, लेकिन ये जुमला सादिक आता है जमशेद कंदुखी साहब पे। इसके जाने से हुआ कि आज जी बी में अदबी एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की तमाम अदबी तंजीमें यतीम हो गई हैं। मैं सिर्फ दो ही अशार कह सकता हूँ, कलम किरतास पे कुर्बान था वो, कलम किरतास पे कुर्बान था वो, अदब के शहर का सुल्तान था वो, अदब के शहर का सुल्तान था वो। मोहब्बत थी उसे इंसानियत से, तासुब से बड़ा अनजान था वो फ़क्रे दोस्ती तो था वो, लेकिन अदू ये शहर का भी मान था वो। और आखिर में किसी का है कि यह हादिसा भी इसी ज़िंदगी में होना था, यह हादिसा भी इसी ज़िंदगी में होना था कि तेरे कब्र पे हम सबको जाके रोना था।